अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, आज हमने क्लास फाइव की जो बाप नंबर थ्री है उसका विमान है किरदार, उसके हमने सवाल जवाब करने हैं। सवाल जवाब पेज नंबर 14 पर उन्होंने सवाल दिए तफहीम, उसने हमने जुबानी कर ली थी, आज हमने लिखना है। सवाल ये है, शैतान ने अपने चार कारनामे बयान किए हैं, आपके ख्याल में सबसे अहम कारनामा कौन सा है, जो आपकी वजह भी लिखें। ये सवाल है आपका, इसका जवाब लिखना है कि शैतान ने अपने चार कारनामे किरदार कारनामे बताए हैं, जो किरदार अनुमान है उसमें उसने अपने चार कारनामे बयान किए हैं और आपसे पूछा गया है कि सबसे अहम कारनामा कौन सा है। तो जवाब इसका ये है कि शैतान ने अपने जो कारनामे बताए हैं उनमें सबसे अहम कारनामा इंसान का किरदार ना बनने देना है, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि अगर किरदार ना हो तो इंसान कुछ भी नहीं है, और अगर किरदार है तो सब कुछ है, क्योंकि आपका किरदार ही आपको मुतलिक बनाता है, वरना एक ही नाम के इंसान तो बेशुमार होते हैं। किरदार इंसान में ईमानदारी, सच, मोहब्बत और वक्त को सही तौर पर इस्तेमाल करना सिखाता है। बच्चे के इस कहानी में किरदार में शैतान ने जो कारनामे बयान किए थे उसमें आपका बताया, आपको से पूछा गया है कि सबसे अहम कारनामा कौन सा है, जो आपको अहम लगता है आप वो लिखिए। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे अहम जो कारनामा वो ये है कि इंसान का किरदार ना हो, क्योंकि किरदार से इंसान की शिनाख्त होती है। तो सबसे जो जितने भी उसने कारनामे बताए हैं कि वो मैं उसको परेशान कर दूंगा, उसको परेशानियों में घेर दूंगा, उन सब से सबसे जो अहम कारनामा है शैतान का वो यही है कि वो इंसान का किरदार नहीं बनने देगा, उसमें झूठ, लालच और फ्रेब डाल देगा जिससे उसका किरदार बनने नहीं पाएगा। ये है एक सवाल। सवाल नंबर दो ये है कि आपके ख्याल में वो कौन सी कौम है जो शैतान के निजाम को खत्म कर सकती है और किस तरह। इसमें पूछा गया है शैतान की कौम, जो शैतान का असर है वो कौन खत्म करेगा। तो आपने बताना है कि शैतान, जैसे कि खानी में कहते हैं कि यूरोप जो है वो वहां पे इनकलाब आ गया है, तो क्या यूरोप जो है वो शैतान का असर खत्म कर सकता है? नहीं, सिर्फ एक मुसलमान ही है जो शैतान के साथ लड़ता है, जिसको ये ईमान होता है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। तो एक मुसलमान ही है, एक मोमन ही है जो शैतान से लड़ता है और उसको झटक कर नेकी की तरफ माइल हो जाता है। तो इस सवाल का जवाब ये है, हमारे ख्याल में जो कौम शैतान का असर खत्म करेगी वो मुसलमान कौम होगी, और शैतान का असर एक मोमन इस्लाम के बताए हुए सुनहरे असूलों पर अमल करके खत्म करेगा। क्योंकि शैतान जो है उसमें पूछा गया है कि कौन है जो उसका असर खत्म करेगी, तो मुसलमान ही है जो उसका असर खत्म करे। मुसलमान तो बहुत से हैं, जो एक मोमन होगा जिसके दिल में सिवाय अल्लाह के और किसी का डर नहीं होगा, वही शैतान का असर खत्म करेगा। ये दो सवाल हैं, आपने अपनी कापी में इनको लिखना है, लिखने के बाद आप इनको याद करना है। अगले दो सवाल हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।